आजकल लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि लोगों के पास सोने का टाइम नहीं है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि 4-4 घंटे रोज सो रहे हैं। नॉर्मल एक एडल्ट को 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए, तो वो क्या करते हैं 4-4 घंटे हफ्ते में चला लेते हैं और फिर सोचते हैं कि वीकेंड में हम ओवर स्लीप कर लेंगे, हम वीकेंड में वो नींद अपनी कवर कर लेंगे, बट वो सही नहीं होता। Hello everyone, this is Vidushi and you are watching the Good Health Show and today we are going to talk about insomnia. Insomnia एक ऐसी problem है जो रातों की नींद उड़ा देता है और जब एक बार नींद उड़ जाती है तो उसके बाद थकान, परेशानियां, पेट में गड़बड़, पूरा दिन थकान, बहुत ज्यादा problems आने लगती है और हमारे मन में ये question आता है कि ये insomnia ही है या फिर हमने ही कुछ अपने साथ गलत किया है। इंसोमिया को और बेहतर जानने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर अनंत जी। हेलो सर, कैसे सर? इंसोमिया आज के टाइम पे सब लोग सोचते हैं कि सबको हो रहा है, क्योंकि रातों को नींद ना आना ये बहुत ही एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमको सच में इंसोमिया हो गया है या फिर ऐसे ही, मतलब ये हमारी एक रेगुलर हैबिट बन गई है? देखो, नींद डिस्टरबेंस बहुत कॉमन हो गया है आज के समय में। अगर आप फिगर्स की बात करो तो 10-30% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को इंसोम्निया के सिम्टम्स हैं। ओके। इंसोम्निया में क्या होता है, मेन प्रॉब्लम होती है कि नींद या तो आने में दिक्कत है या फिर नींद बने रहने में दिक्कत होती है। जी। तो इस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं कि या तो पेशेंट को नींद नहीं आएगी और अगर नींद आएगी तो उसकी नींद खुलेगी बार बार, या तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी यूजुअल टाइम से पहले उठ जाए और उसके बाद उसको फिर नींद ना आए। तो ओकेजनल स्लीप डिस्टरबेंस, इंसोम्निया तो आई थिंक काफी लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कई बार हम मैरिजेस वगैरह में जाते हैं, कई बार एग्जाम टाइम में स्टूडेंट्स को भी हो सकता है, बट अगर ये रेगुलर फीचर बन जाए, ये नींद की प्रॉब्लम अगर रेगुलर बेसिस पे हमें तंग करने लगे और हमारे डे टाइम को भी, डे टाइम एक्टिविटीज को भी अफेक्ट करने लगे, तो फिर ये बीमारी बन जाती है। ओके, अगर ये रेगुलर बेसिस पर हो रहा है तो हो सकता है कि आपको इंसोम्निया है। सर, अगर हम बात करें साइंस एंड सिम्टम्स की इंसोम्निया के, जैसे आपने बताया कि रात को नींद नहीं आ रही है, रेगुलर बेसिस पे भी दिक्कत हो रही है, इसके साथ और भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता लग सकता है? हाँ जी, तो जैसे मैंने बोला कि इंसोम्निया के पेशेंट्स को नींद आने में दिक्कत होती है, स्लीप इनिशिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड, उनको नींद आ गई बट वो नींद बार बार टूट रही है, कंटिन्यूटी में नींद नहीं आ रही। तीसरी कैटेगरी होती है जिसमें नींद आ गई, नींद कंटिन्यूटी में भी है बट उनको नींद पहले खुल रही है, जो जितना वो सोना चाहिए उतना नहीं सो पा रहे और फिर वो दोबारा सो नहीं पा रहे। तो ये तो हमारे मेन जो रात के सिम्टम्स हो गए। फिर अगले दिन क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि हम ठीक से नहीं सोए तो थकावट होना, टायर्डनेस होना, चिड़चिड़ापन होना, अपने काम में आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, मेमोरी प्रॉब्लम्स, जजमेंट प्रॉब्लम्स, ये तो इमीडिएट इफेक्ट होते हैं। बाकी क्रॉनिक स्लीप डेप्रिवेशन के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। ओके, एंड सर, अगर इंसोम्निया के कॉजेस की बात की जाए, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि स्ट्रेस की वजह से है या फिर किसी को लगता है कि अभी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस वजह से है, बट लोग ना अभी भी इसको अच्छे से समझ नहीं पाए हैं कि व्हाट आर द कॉजेस, तो वो मैं जानना चाहूंगी। तो देखो, सबसे जो कॉमन कॉज है वो तो स्ट्रेस ही है। ओके। जब हम सोने जाते हैं तो हमारे माइंड को थोड़ा सा शट डाउन होना पड़ता है। अगर हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, हमें कोई स्ट्रेस है, स्ट्रेस किसका हो सकता है, फैमिली स्ट्रेस हो सकता है, अपने वर्क का स्ट्रेस हो सकता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाई का स्ट्रेस हो सकता है, तो फिर माइंड वो जब शट डाउन नहीं कर पाएगा तो हमें नींद में जाने में डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। तो एक कॉमन रीजन तो स्ट्रेस है। फिर कई साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कईयों को एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, ये भी बड़ा कॉमन रीजन है। डिप्रेशन के मरीजों को जनरली नींद आने में दिक्कत और नींद को मेंटेन करने में दिक्कत होती है। एंग्जाइटी, अगर आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, घबराहट हो रही है, तो भी आपको सोने में डिफिकल्टी होगी। पर मैं ये कहना चाहूंगा, आज के टाइम में जो एक बड़ा कॉमन रीजन है वो है बैड स्लीपिंग हैबिट्स। हमारे जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं वो ही काफी खराब हो गई है। तो इसमें क्या है, जैसे कुछ जनरल चीजें कि हमें सोने का और उठने का टाइम अपना फिक्स रखना चाहिए। तो यूजुअली हम ऐसा नहीं करते, हम अपनी मर्जी से अपने सोने के टाइम को बदलते रहते हैं, स्पेशली वीकेंड्स में तो ऐसा हो जाता है।
तो दिस इज अ रॉन्ग स्लीपिंग हैबिट। आप जितना अपने सोने के और उठने के टाइम को फिक्स रखोगे, आप देखोगे आपकी बॉडी को, वो बॉडी की एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसमें वो ऑटोमेटिकली चीज सेट हो जाएगी, फिर आपको सोने में दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा गैजेट्स का एक्सपोजर रात में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविजन, सब चीजें अगर हम सोने के इमीडिएटली पहले कर रहे हैं तो नींद डिस्टर्ब होगी। चाय कॉफी का ज्यादा कंजम्पशन या कैफीन का ज्यादा कंजम्पशन नींद को डिस्टर्ब कर सकता है। फिर आपका अगर सोने का एनवायरनमेंट कंफर्टेबल नहीं है, आपको एक प्रॉपर स्लीप एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें आपका बेड नीटली लेड हो, टेम्परेचर ठीक हो, है ना, सराउंडिंग्स क्लीन हो, रिलैक्स एटमॉस्फेयर हो, अगर वो नहीं मिलेगा तो भी नींद में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये तो हो गया बैड स्लीपिंग हैबिट्स के बारे में। अगर आप बहुत हैवी मील खा रहे हो सोने से पहले, हैवी डिनर नींद में दिक्कत दे सकता है। फिर हम बोले अगर कई लोगों की शिफ्ट ड्यूटीज होती हैं, जैसे वो कभी नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, डे शिफ्ट कर रहे हैं, तो उनमें भी बॉडी जो है कंफ्यूज हो जाती है, वो जो एक क्लॉक है जो हमारी, वो कभी प्रॉपरली सेट नहीं हो पाएगी। फिर जो लोग फ्रीक्वेंट टाइम ट्रैवल करते हैं, जैसे जिनकी ट्रैवलिंग बहुत होती है, अलग अलग टाइम जोन्स में जाते हैं, तो उसमें भी ये इंसोम्निया कॉमनली पाया जाता है। और लास्ट मेडिकल प्रॉब्लम्स, कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हैं, जैसे कोई कैंसर का पेशेंट है, किसी को क्रॉनिक पेन है, किसी को सांस में दिक्कत है, किसी के कोई टांगों में दर्द होता है रात में, तो उन लोगों को भी नींद में दिक्कत आ सकती है। ओके सर, जैसे आपने बात की डाइट की, तो मैं जानना चाहूंगी इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन डाइट एंड स्लीप इंसोम्निया, कि क्या हमारी डाइट अगर अच्छी नहीं होगी तो भी क्या हमें इंसोम्निया प्रॉब्लम हो सकती है या फिर नहीं? हाँ देखो, कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने बताया कि कैफीन अगर हम शाम के टाइम ले रहे हैं, कैफीन किस में होता है, टी, कॉफी, इवन कोल्ड ड्रिंक्स में होता है। दूसरा अल्कोहल, अल्कोहल लेने से भी हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। हो सकता है कि नींद आने में इतनी दिक्कत ना हो, बट क्वालिटी ऑफ स्लीप डेफिनेटली कम खराब हो जाएगी। फिर अगर बहुत हैवी मील लिया, फिर नेचुरली देखो कुछ चीजें होती हैं जो जिनका माइंड पे इम्पैक्ट होता है। अगर आप देखो आप बहुत ज्यादा स्पाइसी ऑयली फूड खा रहे हो, तो इन चीजों का भी आपके माइंड में इफेक्ट होता है, वो रेस्टलेसनेस माइंड में क्रिएट हो जाती है। तो आई वुड से डाइट का बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है, और इम्पोर्टेंट है कि हम अच्छी हेल्दी डाइट फॉलो करें, इससे हम अपनी नींद को बेटर कर सकते। सर हम डाइट की बात कर रहे हैं, तो आजकल स्मोकिंग ड्रिंकिंग भी ऐड हो चुका है लाइफस्टाइल में लोगों के, तो क्या इससे भी फर्क पड़ता है हमारी नींद पे? हाँ डेफिनेटली, स्मोकिंग ड्रिंकिंग दोनों ही चीजें आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकती हैं। ड्रिंकिंग का तो मैंने बताया, स्लीप क्वालिटी खराब कर देगी, और कुछ बीमारियां जैसे अगर स्लीप एपनिया है उसमें तो डेंजरस होता है ड्रिंक करना। बाकी स्मोकिंग भी एक तरह का स्टिमुलेंट होता है, अगर आप बेड टाइम के पास स्मोक कर रहे हो तो उससे भी हो सकता है आपकी नींद में प्रॉब्लम हो। ओके सर, जैसे कि नींद को लेकर, इंसोम्निया को लेकर, नींद तो एक अलग हो गया, इंसोम्निया को लेकर आपके पास कुछ ऐसे मिथ्स या फिर मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में जो आपके पास वो लेकर आते हैं और आप बोलते हो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसे कुछ है मिथ्स? हाँ डेफिनेटली, देखो एक कॉमन मिथ है लोगों का कि वी कैन कैच अप ऑन आवर लॉस्ट स्लीप, कि अगर हम जैसे रेगुलर बेसिस पे कम सोएं, जैसे आजकल लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि लोगों के पास सोने का टाइम नहीं है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि 4-4 घंटे रोज सो रहे हैं। नॉर्मल एक एडल्ट को 7-8 घंटे की नींद चाहिए, तो वो क्या करते हैं 4-4 घंटे हफ्ते में चला लेते हैं और फिर सोचते हैं कि वीकेंड में हम ओवर स्लीप कर लेंगे, हम वीकेंड में वो नींद अपनी कवर कर लेंगे, बट वो सही नहीं होता। उससे क्या होता है, हम अपनी जो लॉस स्लीप है उसे कैचअप नहीं कर सकते, और बल्कि ओवर स्लीप करने से हमारा जो सिस्टम है वो ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये भी एक रीजन है कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी, फिर आपको इंसोम्निया भी डेवलप हो सकता है। तो जहां तक हो सके अपने सोने का और उठने का टाइम फिक्स रखें, इवन ऑन वीकेंड्स। वीकेंड में हाँ जरूर, डेफिनेटली सबका मन करता है थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा चीजें करने का, बट उसको आप 1-2 घंटा मॉडिफाई करो। बट ऐसा नहीं है कि आप सारे हफ्ते कम सो के ये सोचो कि मैं वीकेंड में अपनी नींद कैचअप करूँ, वो एक तो एक कॉमन मिथ है। दूसरा मिथ लोगों को ये है कि इंसोम्निया अब हो गया तो इसका मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे को इसी के साथ रहना है, ये भी गलत है। बिकॉज इंसोम्निया के लिए आप स्लीप हाइजीन अगर आप फॉलो कर रहे हो, हमारी टिप्स फॉलो कर रहे हो, तो काफ़ी रिलीफ इसमें मिल सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिंस भी होती हैं जो कि अगर आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है।
क्रॉनिक इंसोम्निया बहुत परेशान करता है लोगों को. मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं जिनको इट इज वेरी डिस्ट्रेसिंग, मतलब मेंटली बहुत परेशान हो जाते हैं. तो हमारे पास आपको हेल्प करने के लिए डेफिनेटली काफी सारी चीजें हैं. और एक और मिथ जो है कि कई लोग क्या करते हैं, नींद ना आने की प्रॉब्लम की जब होती है तो ओवर द काउंटर केमिस्ट वगैरह से ही मेडिसिन लेके वो सोचते हैं कि हम अपने आप ट्रीटमेंट कर लेंगे, जो कि बहुत डेंजरस होता है ना. क्योंकि तरह तरह की दवाइयां आती हैं, हर दवाई का अपना एक रोल है, कितनी डोज में लेना है, कितने समय तक लेना है, ये आपको नहीं पता. तो इसलिए प्लीज डोंट मेडिकेट योरसेल्फ विद ओवर द काउंटर ड्रग्स. ओके, अगर आपको ये इंसोम्निया जैसा फील भी हो रहा है तो आप जस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करो, ना कि आप कुछ भी दवाई खा रहे हो मेन. एंड सर, आपने स्लीप हाइजीन की बात की है तो मैं वो जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि लोग इस चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं. बहुत से लोगों में ये ओसीडी होती है कि जहाँ वो सो रहे हैं उसको साफ करेंगे, और इनफैक्ट अच्छे से स्प्रे डालकर पूरा खुशबू में आराम से सोएंगे. लेकिन कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो खाना खाया बेड पे और साइड में किया और वहीं सो गए हैं, अपना बेड भी नहीं. तो आई रियली वॉन्ट टू नो व्हाट इज स्लीप हाइजीन.